हेलो फ्रेंड्स, तो ये फ्लावर्स बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको चाहिए एक कलर्स पेपर। तो मैंने ये कलर पेपर को हाफ कर लिया हूँ। फिर इसे मैं हाफ करके तीनों को एक साथ लगा के मैं कट करने वाला हूँ, और आप इसे सिंगल सिंगल भी कट कर सकते हैं। ये सिंगल सिंगल कट करने से और अच्छा होगा और एक्यूरेसी और भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे आप तीन को पेपर ज्वाइन करके ऐसे कट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा पेपर लाइन में कट करना है, और ये ध्यान रखिए कि एंडिंग पे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। इस तरह आप मेजरमेंट लेके 0.5 mm लेके कट कर सकते हैं। तो ये हो गया, कट करने के बाद ये कुछ इस तरह होगा। और फिर जो सिंगल सिंगल कट किए हैं उसके ऊपर पूरा फोल्ड कर लीजिएगा, या आप एक टूथपिक लेके इसे फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हाथ पे रोल करके कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह पूरा जितना भी कट किए हैं सबको इस तरह रोल करना होगा। हाँ मैं तो ये सब कुछ रोल करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। और फिर अब हम एक वाइट पेपर लेंगे और फिर इसे भी हम पूरा रोल कर लेंगे। इस तरह इसको थोड़ा बेंड करके रोल करेंगे, नहीं तो आप टूथपिक लेके कर सकते हैं, वो और भी इजी है। तो ये हो गया, इस तरह से हो जाएगा पूरा ठीक। फिर इसको हम ऐसे फिक्स कर लेंगे। तो हम अभी ग्लू लेंगे, ग्लू लेके उस स्टिक पे फिक्स करेंगे। ये याद रखिए कि जो कल हुआ है कल को ऊपर रखिए, और फिर से राउंड राउंड घुमाते घुमाते स्पाइरल के तरह नीचे ले जाएगा। तो अभी ये हो गया, और मैं इस तरह से कुछ नया कलर्स लिया हूँ, तीन या चार कलर्स। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।